हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी पनीर इन टमाटो प्यूरी। उसके लिए मैंने चार पांच टमाटर ले लिए हैं और पनीर ले लिया है। तो सबसे पहले हम टमाटर का पेस्ट बनाएंगे। टमाटर मैंने ग्रेट कर लिया है और पनीर ले लिया है। पैन में ऑयल भी गर्म हो गया है। अब मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी जीरे का बगार और उसके बाद मैं ये सारा टमाटो प्यूरी इसमें डाल दूंगी। इसको चलाते रहेंगे और अब हम थोड़ी देर इस टमाटर प्यूरी को पहले पका लेंगे। टमाटर हमारे भून रहे हैं, अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा अदरक का पेस्ट। लहसुन नहीं डालेंगे, सिर्फ अदरक डालेंगे। इसमें हम हल्दी भी नहीं डालेंगे, इसमें सिर्फ मिर्च और धनिया डाल के मसाला को भूनेंगे। पहले अदरक के साथ भून जाने दीजिए। फिर टमाटर भून चुके हैं, अब इसमें डालने वाले हैं मिर्च, धनिया और नमक। इसमें हल्दी नहीं डालेंगे। इसको डाल के अब हम इसको भून लेंगे। पहले मसाला भून चुका है ये मसाला, अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च और इसमें हम डालेंगे टमाटो सॉस जो मैंने यहाँ पे ले लिया है। ये टमाटो सॉस इसमें डालेंगे, उसको डाल के भी थोड़ा सा हम भूनेंगे। मसाला भून गया है, अब हम इसमें ये पनीर डाल देंगे। पनीर डाल के थोड़ी देर पकाएंगे, बाद में हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। सब्जी तैयार हो गई है, ऊपर से हम धनिया डाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आप भी बना के देखिएगा कैसी बनती है ये।